So hello YouTube. So my friend purchased this Volkswagen Jetta. This is Comfortline model, right? Yes. Comfortline model, 2013 model. We are from Pune and this is MS12 passing. And we have brought it pre-owned for 6 lakhs. Okay. So I will show you the condition of car. 6 lakhs for the first owner. You can see the condition is mint. We have upgraded the head in it, so don't consider it. It came with the stock head in it only. You can experience the thud in the door. The build quality is premium. You get the component speakers with your tweeter in all four doors, and these speakers have the amplifier itself over there. This is exact replica of Audi A4. The engine and everything is pretty much the same. You get armrest in the back. This is a luxury car. You can see it has 3 headrests as well for the middle passenger also. Huge boot space is there. It comes with the alloy wheels as well. Inch alloys. I will show you the running of this car. It comes with the steering mounted controls. All the luxury features are there. Okay, so you can see the running is only 1.4. I will show 1.4 lakhs is the running, but still the condition is as good as new. It comes with 2.0 engine, TDI engine, and the kick you get in this car is brilliant. You know, I had a Volkswagen Vento before, but this car is one step ahead of Vento. And there is not much difference in the resale value because premium cars have higher depreciation. So it's always good to buy premium cars in the pre-owned market instead of buying new cars. Only problem we faced with this car is the spare part availability. You will have to order some spare parts from Germany. So now we will talk with the owner. This is Saurav, owner of this car. So Saurav, ये गाड़ी लेने के बाद आपने कितना खर्चा किया इस पे, क्या क्या खर्चा निकला? अरे भाई, खर्चा तो बहुत किया है. ऑलमोस्ट 2 and 2.5 lakhs मैंने इसके ऊपर खर्चा किया है. सो गाड़ी लेने के बाद आपको 2.5 lakhs खर्चा आया इस गाड़ी पे. सो लगभग आपको ये गाड़ी 8.5 लाख को पड़ी. राइट. 2013 मॉडल, अभी फर्स्ट ओनर कार थी और ओनर भी आपके पहचान वाला था, मतलब आपको सब पता है इस गाड़ी में क्या है क्या नहीं. सो ट्रस्ट वर्दी कार थी, इसलिए हमने इतना पैसा लगाया इस गाड़ी पे. क्या क्या चेंज करना पड़ा आपको इस गाड़ी में? मैंने पूरे सस्पेंशन चेंज किए हैं. ओके. पूरा सस्पेंशन किट फ्रंट और रियर का. ओके. और टायर भी चेंज किए सब. ओके. और विद स्टेपनी. ओके. लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी. ओके. जब मैंने ली थी तो 1,25,000 हुआ था. ओके. ओके. उसके बाद मैंने अभी ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर रन किया है. ओके. 6 months. इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास अभी इग्निस भी है, मारुति सुजुकी इग्निस 1.2 पेट्रोल. सो इग्निस से डायरेक्टली आप प्रीमियम सेगमेंट पे जंप किया आपने, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? इग्निस से ये Volkswagen की जेटा चलाना बहुत डिफरेंस होता है. इग्निस का और इसका कंपैरिजन होता ही नहीं है कभी. ओके. वो मारुति सुजुकी की कार चलाना और इसमें चलाने में बहुत फर्क है, क्योंकि इसकी पावर और उसकी पावर में फर्क है. लेकिन फिर भी आपको इससे ज्यादा माइलेज मिल रहा है इग्निस से भी. ये अफोर्डेबल है. सरप्राइजिंग बात है कि मुझे इग्निस से ज्यादा यहाँ पे माइलेज मिल रहा है. वो मे बी डीजल इंजन से होता होगा. डीजल इंजन का माइलेज अच्छा ही रहता है. राइट. और इसका 6 गियर ट्रांसमिशन है, इसके वजह से वो जो
पावर टू टॉर्क रेशो है वो अच्छा है इसकी वजह से। एक्चुअली होता क्या है, सिक्स गियर होने के बाद आप हाईवे पे सिक्स गियर में गाड़ी डाल दोगे तो लो आरपीएम पे आपकी गाड़ी आइडल पे 100 पे इजीली चलेगी। परफेक्ट। वैसे नॉर्मल कार्स में आपको फिफ्थ गियर पे 3000 आरपीएम रखना पड़ेगा, 4000 आरपीएम रखना पड़ेगा, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा रहता है। राइट, ये भी एक रीजन है। यस, तो आप कौन से लॉन्ग रूट किए आपने इस गाड़ी से? मैंने इस गाड़ी पे बैंगलोर की ट्रिप की है, पुणे टू बैंगलोर। ओके, तीन बार किया है मैंने, उसके बाद एक इंदौर भी किया है। नॉन स्टॉप ट्रिप किया आपने? हाँ, बैंगलोर का भी नॉन स्टॉप किया और इंदौर का। तो आपका कंफर्ट कैसा था? कंफर्ट तो एकदम मस्त था, इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि VW की कार है और थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की कार है। यस यस, तो उसके लिए और सेदान होने की वजह से कंफर्ट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, अभी वो तो पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मुझे तो सेदान मेरे पास थी, मुझे कंफर्ट इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन SUV का इंडियन रोड पे कंफर्ट अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए आपको अभी आदत हो गई, इसलिए ये तो लग्जरी क्लास है, वो आपने सही बोला। तो ठीक है, और क्या क्या आपने चेंज किया है इसमें? ये मैकेनिकल पार्ट्स हो गए, उसके बाद मैंने फ्यूल पंप भी चेंज किया था, टाइमिंग बेल्ट भी चेंज की थी, क्योंकि वो 125,000 हुआ था, लेकिन पहले उन्होंने वो किया नहीं था, तो बेटर वे में। फ्यूल पंप की कॉस्ट क्या गिरी आपको? वो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 15,000 to 16,000 हुआ था। ओके, राइट, फ्यूल पंप और टाइमिंग बेल्ट। तो व्हाट वाज द मेजर एक्सपेंस? सबसे ज्यादा एक्सपेंस आपका किस पे हुआ? सबसे ज्यादा तो ये अपना सस्पेंशन के ऊपर ही हुआ था। ठीक है, 75,000 रुपीस सस्पेंशन को आपको खर्चा आया। 70,000 to 80,000 रुपीस हुआ था इसके ऊपर। ओके, और 50,000 टायर्स के थे। ओके, तो आपकी आदत है गाड़ी अच्छे से मेंटेन करना, इसलिए कुछ पार्ट्स आपने अननेसेसरीली भी चेंज किए टू बी हैव प्रिसाइज कार, मतलब हाँ, आपको परफेक्शन चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए मैंने किया, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत लॉन्ग रूट पे चलानी पड़ती, ताकि कोई हाईवे पे कोई ब्रेकडाउन मेंटेन इशू ना हो। सही बात है, सही बात है। और आपको एक पार्ट आपने इम्पोर्ट किया, एक आपको बैड एक्सपीरियंस है, वो आप बताओ सबको, आपने क्या इम्पोर्ट किया था? जो यहाँ पे आइए, जब मैंने कार परचेस की थी तो अनलकीली मैंने इस गाड़ी का हॉर्न टेस्ट नहीं किया था। हाँ। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन पे चेक किया, अरे हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है, तो उसके अंदर एक क्लॉक स्प्रिंग रहती है। ओके। स्प्रिंग नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल रहता है। ओके। उसके ऊपर आपका हॉर्न और एयरबैग वो माउंट रहते हैं। ओके। वो किसी वजह से वो खराब हुआ था, तो मुझे वो ऑर्डर करना पड़ा। ओके। उसकी कॉस्टिंग थी ऑलमोस्ट 25,000। 25,000 भाई साहब ने एक हॉर्न के मॉडल के लिए एक्सपेंडिचर किया है। ओके, ठीक है, और वो मंगाने के बाद क्या हुआ? हाँ, और एक उसके बाद ये हुआ कि वो दूसरे मॉडल का था, इसको नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो और उसके बाद आप कंपनी में वापस गए? हाँ, उसके बाद मैंने कंपनी में ऑर्डर नहीं किया था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ऑर्डर किया था। ओके, लेकिन वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन उसने वो रिफ्यूज किया कि आपने जो बोला था वो हमने ऑर्डर किया, लेकिन उसने विन नंबर के ऊपर से वो ऑर्डर प्लेस किया था। ओके, तो मैं भी कुछ अदर टेक्निकल इश्यूज रहेगी उसके वजह से वो प्रॉब्लम हुआ था। okay. बाद में हमने वो ट्रबल शूट करके वो फाइनलाइज कर दिया, लेकिन वो अभी मेरे पास स्पेयर में पड़ा है, क्लियर अनयूज्ड है, न्यू पैक पीस पे। okay. वो जो जर्मनी से हमने मंगाया था कम्प्लीट। तो इनके पास बहुत ऐसे मतलब स्पेयर पार्ट्स इन्होंने चेंज किए अननेसेसरीली, जो अभी चल सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आपको अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स इस गाड़ी का चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई की लिंक नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके उनसे ले सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कौन से स्पेयर पार्ट्स है विच आर यूजेबल। ओके, राइट, बिल्कुल। सस्पेंशन के आगे और पीछे, फ्रंट और रियर दोनों के सस्पेंशन कंप्लीट असेंबली है मेरे पास, और जो रनिंग कंडीशन में है मैंने जस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए वो रिप्लेस की हुई है। ओके, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में, इवन ब्रेक पैड्स भी है जो ऑलमोस्ट 70% अभी वर्किंग है, ओनली 30% उसका वियर एंड टियर हुआ है। 70% ब्रेक पैड्स भी है मेरे पास अवेलेबल। ओके, तो भाई के पास बहुत पैसा है, अननेसेसरीली बहुत खर्चा किया है भाई ने। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए मैंने वो किया है जब चीज़ें। ठीक है, गाड़ी वाटर पंप है जो ऑडी में भी यूज होता है, आपको मैं मार्क भी दिखा सकता हूँ, ऑडी का लोगो है उसके ऊपर। नहीं, इसमें से बहुत पार्ट्स आपके शेयर हो जाएंगे ऑडी A4 के साथ, तो अगर ऑडी A4 के लिए चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि VW एक पैरेंट कंपनी है, ऑडी उसका सब ब्रांड है, तो इसके जो पार्ट्स है और ऑडी के पार्ट्स है वो शेयरिंग में होते ही, इवन स्कोडा में भी, क्योंकि ये पार्ट शेयरिंग उनका कॉमन फीचर रहता है, वो प्लेटफॉर्म एक ही है। बिल्कुल सही। तो गाड़ी लेने के बाद आपने क्या क्या खर्चा किया, क्या क्या अपग्रेड किया? अपग्रेड की बात करें तो मैंने ऑडियो सिस्टम अपग्रेड किया है, जो अभी पाइनर हेड यूनिट है, हमने वीडियो डाली है अपग्रेड की, आपको वो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखोगे, हमने पूरी ऑडियो सिस्टम ये अपग्रेड की है। इसके लिए हमें कैनवस अडैप्टर लेना पड़ा, उसका ही खर्चा 5,000-6,000 रुपये हो गया,
और अभी जाके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह सब उसमें परफेक्टली चल रहा है। वो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल नहीं था, इसकी वजह से स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं वर्किंग हो रहा था और MID भी नहीं ऑपरेट हो रहा था। ओके, तो इसीलिए भाई ने वो 25,000 का मॉड्यूल लेके रखा है। तो फिर ये फिक्स कैसे हुआ? तो बाद में मैंने एक दोस्त के नेटवर्क से मैंने दूसरा एक लिया जो उसको एप्लीकेबल था, जो उसके ऊपर रन हो रहा था यूज। हाँ, वो मुझे यूज लेना पड़ा। ओके, अनफॉर्चुनेटली। तो वो कितने का गिरा आपको? वो मुझे खाली 7,000 में मिला। देखो, तो ये डेप्रिसिएशन रहता है प्रीमियम ब्रांड्स में, तो 25,000 का चीज उनको 7,000 में मिला, ठीक है, नॉट बैड। तो आप थोड़ा सा जुगाड़ करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो VW इतना भी बुरा नहीं है मेंटेनेंस के लिए। मैंने मेंटेनेंस खाली एक बार सर्विसिंग की है गाड़ी लेने के बाद। ओके, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर चला। अभी आपको और एक सर्विस करनी पड़ेगी। अभी मुझे एक सर्विस करना है जो अभी ड्यू है। तो एक सर्विस आपने कंपनी में की थी क्या? हाँ, मैंने कंपनी में सर्विस। कितना खर्चा आया उसका? सर्विसिंग का कॉस्ट आया था ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज फॉर द जनरल सर्विसिंग, राइट? ओनली ऑयल चेंज, फ्यूल फिल्टर चेंज एंड ऑल दिस। ओके ओके, सो सर्विसिंग इज ऑन हायर साइड, वो तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस के बाद मैं अभी बाहर दोगे आप गाड़ी? क्योंकि अच्छा खासा अभी नेटवर्क भी हो चुका है। हाँ, VW के गैरेज वाले जो टेक्नीशियन पहचान में आ गए। ओके ओके, उनका एस्टिमेट मुझे ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 में वो करके। सो दैट इज वेरी अफोर्डेबल। तो ब्रांड लग्जरी के पीछे हमें पैसा बर्बाद करना सही बात नहीं है। ये तो ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलायबल प्रोडक्ट है, इसलिए हमने ये गाड़ी उठा ली। और एक बात बताओ, जेट्टा जो एक ऐसा VW की गाड़ी है जो ग्लोबली मार्केट में है और बहुत रिनाउंड और रिलायबल गाड़ी है। रिलायबल का फर्स्ट जो मॉडल आया था वो 1979 में आया था। ओके, उसके बाद ये गाड़ी बहुत अच्छी खासी ग्लोबल मार्केट में है, बट सैडली इंडियन मार्केट में उनको वाइंड अप करना पड़ा क्योंकि ये मॉडल रनिंग नहीं था इसके वजह से। वैसे प्रीमियम कार्स इंडियन मार्केट में ज़्यादा चलती भी नहीं है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिशन में सुपर भी थी, ऑक्टोविया भी थी, इसकी वजह से इनको जेटा में थोड़ा सा सेल्स इतना अच्छा नहीं कर पाए। ओके, सो दैट्स ऑल। अभी हम गाड़ी चालू करके देखते हैं इसका इंसुलेशन इंजन नॉइज कितना है। तो मेरे वेंटो में तो ट्रैक्टर जैसा आवाज आता था गाड़ी के अंदर, लेकिन इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो नॉइज क्लटर बहुत कम है इस गाड़ी में, पता नहीं कैसे। आपकी गाड़ी में बहुत कम क्लटर नॉइज है, पता नहीं कैसे, आपका रनिंग मेरे से डबल है फिर भी। वैसे वेंटो की बड़ी बहन है ये। वेंटो तो एंट्री लेवल कार है। नहीं, एंट्री लेवल तो पोलो है, लेकिन ठीक है, बोल सकते हैं सेडान क्लास में। बहुत अच्छा इंजन है, 2.0 पावर, गाड़ी ऐसी खींचती है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ते हाईवे पे। हर गाड़ी को ओवरटेक करने का कॉन्फिडेंस हमारे पास है, बस एग्जॉस्ट नोट आप सुनो। एग्जॉस्ट नोट में बहुत अच्छा बेस आता है एक्सेलेटर छोड़ने के बाद, तो वो एक प्रीमियम नोट छोड़ देता है। और डीजल कंबशन का जो स्मेल है वो भी बहुत कम लग रहा है मुझे, जो बाकी गाड़ियों में आता है। तो ये वेल मेंटेन कार है, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे लाइट्स भी मिलेंगे। ये लाइट्स हमने अपग्रेड की है, ये जनरली येलो में आती है तो हमने LED डाल दिए। और आप देख सकते हो ये गाड़ी लगभग 10 साल होने को आया, और कंडीशन देखो, दैट इज़ बिकॉज सुपीरियर पेंट है, सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की। 7 layer एक बार भी रिपेंट नहीं है, और कंपनी का पेंट मेरे वेंटो का भी बहुत अच्छा था, उसकी क्वालिटी ही अलग है। आप इसके साइड में कोई भी ब्रांड की 2 साल पुरानी गाड़ी रखोगे सिल्वर पेंट में, तो वो डल दिखेगी इससे भी ज़्यादा। सो कॉल्ड अपने एशियन मार्केट या फिर जापानीज कार मेकर्स। यस यस, यू ऑलरेडी हैव अ इग्निस, दैट इज अ जापानीज कार। तो जो पीछे कोरियन मार्केट्स, कोरियन मैन्युफैक्चरर, नहीं इंडियन मैन्युफैक्चरर तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप देखो कितना प्रीमियम फील है, आप पीछे बैठोगे तो आपको राजा जैसी फीलिंग आएगी। तो और क्या चाहिए आपको 6 लाख रुपए में? तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप 6 लाख का बजट है और आप कोई एंट्री लेवल कार ले रहे हो, अल्टो वैगनर जैसी,
तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, अभी ये मेरा भाई बिजनेस में है, तो बिजनेस में इसको एक इमेज भी अच्छी चाहिए थी, इसके पास ऑलरेडी इग्निस है। अभी बिजनेस में इमेज बहुत मैटर करती है, तो ब्रांड इमेज अगर आपको चाहिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए भी चाहिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए भी चाहिए था उनको कंफर्ट और सेफ्टी इस ये जैसी किसी कार में नहीं मिलेगी आपको। और बाकी के भी है, ESP है, EBD है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल होल्ड असिस्ट है, चारों डिस्क ब्रेक है विद ABS है। चारों डिस्क ब्रेक है, वो तो प्रीमियम कार्स में आते हैं बस। तो ये सब चाहिए था, इसलिए ये मेंटेनेंस मेरा भाई अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उसने ले ली। अगर आपकी वे फैमिली कार है तो थोड़ा दो बार सोचो, लेकिन अगर आप बिजनेस में हो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा यूसेज है, तो इन लॉन्ग रन दिस विल बी मोर चीपर देन द एंट्री लेवल कार्स, राइट? अभी आपको बस एक ही टेंशन है, इसका रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसको पूरा यूज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तो इसको ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक मैं चलाने वाला हूँ, और मतलब 5 साल है इस गाड़ी के, और उसके बाद जितना लाइफ है इसका मैं पूरा यूज करने वाला हूँ। उसके बाद भी रिन्यूअल हो जाएगा, हम पुणे में रहते हैं, हमारे पास दिल्ली जैसे बकवास रूल्स नहीं है, तो यहाँ पर गाड़ी में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम वसूल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर RTO ने मुझे परमिशन दी तो मैं 25 साल तक भी चलाऊंगा। हाँ, ग्रीन टैक्स भर के आप चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, जिसको अगर प्रीमियम गाड़ी के ऊपर जाना है तो VW के ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मेंटेनेंस इतना ज्यादा नहीं है, वन टाइम में मेंटेनेंस रहता है, लेकिन इसका क्या है, सर्विसिंग अगर आपको करना है तो 15,000 के टाइम स्पैन में करना पड़ता है। मारुति का आपको 10,000 रुपए करना, 10,000 से पहले भी करना पड़ता है, 5,000 में भी करता हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम करती है। अच्छा, वो बिल्ड क्वालिटी हर एक उसका स्पेयर वीक है इसीलिए। ठीक है, चलो अंदर बैठ के हम एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आप सीट्स भी देख सकते हो, कितना अच्छा बकेट सीट है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि बाहर का नॉइज देखो और अभी अंदर आप बैठोगे उसका नॉइज देखो। हाँ, अभी यहाँ पर हमें नॉइज आ रहा है, अभी आप इंसुलेशन देखो इस गाड़ी के, बिल्ड क्वालिटी, सब म्यूट हो गए, आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगा बाहर का। यस यस, दिस इज हाउ यू गेट द फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स। आपको हर चीज में बिल्ड क्वालिटी अलग लगेगी। अरे यार, ये देखो क्या फीचर है, ये ओपन करने के बाद ऑन हो रहा है लाइट, मतलब यहाँ पर भी उन्होंने सेंसर डाला है, कितना टेक्नोलॉजी एडवांस है वो देखो आप। बंद करो, मतलब कौन सोच सकता है यहाँ पर सेंसर डालने का, बहुत अच्छा है। ये लाइट्स आपने चेंज किए या फिर ये मैंने चेंज किए, पहले येलो थे ओके। अभी मैंने व्हाइट LEDs, ऑटो डिमिंग मिरर, ऑटो डिमिंग IRVM भी है, और इसको हीटर भी है ORVM में। ORVM में हीटर है? हाँ, ORVM में हीटर है। अगर मान लो आपको गाड़ी रेन में चला रहे तो आपको यहाँ पे फॉग नहीं जमाएगा। बेस्ट, क्या क्या फीचर्स है, और ये कंफर्ट लाइन है तो हाईलैंड में क्या आता है? हाईलैंड में क्या है कि आपको एक 2 एयरबैग एक्स्ट्रा मिलते हैं, 8 एयरबैग है, और आपको हेडलाइट वॉशर भी मिलता है और क्रूज कंट्रोल, ये 3 फीचर उसमें है बस। हेडलाइट वॉशर, हेडलाइट वॉशर, 2 एयरबैग एक्स्ट्रा और क्रूज कंट्रोल। और क्रूज कंट्रोल तो इसमें भी दिख रहे हैं, क्रूज कंट्रोल है यहाँ पे, लेकिन वो हमने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया था उस वक्त। ये अच्छा, आपने ये मॉड्यूल दूसरे का लगाया इसीलिए, ओके ओके, ये दोनों यूनिट मिला तो कंफर्ट लाइन में क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। इसका AC इतना पावरफुल है कि मैं ये बार बार बंद करता हूँ खुद से, इतना पावरफुल AC इसका। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कभी फर्स्ट के बाद सेकंड पे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके ओके, आपको ये कंफर्ट लाइन में भी वो प्रीमियम टच आएगा पूरी गाड़ी में। मुझे नहीं पता कौन हाईलैंड लेगा, अगर आपको सब हाई एंड मिल रहा है, ट्विटर्स मिल रहे हैं, कंपोनेंट सिस्टम मिल रहा है, एम्पलीफायर मिल रहा है, बस उसमें लगता है मुझे टच स्क्रीन हेड यूनिट नहीं था। ओके, हाँ नहीं, लेकिन ये हेड यूनिट लगा के वी आर मोर सेटिस्फाइड देन स्टॉक। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये रिकमेंडेशन मेरे भाई का ही था, अपने जो योगेश भाई है, उसने मुझे रिकमेंड किया था कि पाइनर सीरीज का ये 5290 यूज करो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये बेस्ट हेड यूनिट है, मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, मेरे गाड़ी में भी यही है। सो आपने देखा है इस गाड़ी का रिव्यू, ये था पूरा रिव्यू। अभी दैट्स ऑल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लिव लाउड।